हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं समरीन। तो आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ गेस्ट, और आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं इस वीडियो को एम करती हूं 80,000 लाइक। तो चलिए देखते हैं। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। कौन ये खटखट खटखट कर रहा है? इनको बेल वेल नहीं दिखती क्या? दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हो गया बताइए, इतना शोर क्यों मचा रही हैं आप? बेल नहीं दिखती आपको? पागल कर दिया मुझे बिल्कुल। अरे हंस क्यों रही हैं आप? बेटा मुझे ना दरवाजा पीटने में ज्यादा मजा आता है, बेल बजाने में नहीं। दरवाजा पीटने में ना मुझे किक मिलती है। ओह अच्छा, तो लोगों को परेशान करने में आपको बहुत मजा आता है। रुको मैं अभी आपको ठीक करती हूँ। ये क्या किया तूने? वो क्या है ना आंटी, मुझे ना सबको सर पे मारने में बहुत मजा आता है। अरे रिया क्या किया तूने? अपनी बुआ को मार दिया। क्या, ये बुआ है? मम्मा कौन सी बुआ आ गई, इन्हें तो मैं जानती भी नहीं कौन है ये। अरे बेटा तेरे पापा की मम्मी की दादी की चाची की बेटी के ताऊ है ना, उनके बड़े वाले चाचा की सबसे छोटी वाली बेटी की जो सास है ना, उनकी बेटी है ये, और रिश्ते में तेरे पापा की बहन लगेंगी। और तूने अपनी बुआ को ही बॉटल से मार दिया। क्या, अरे आंटी ये लीजिए मेरे हाथ में। अरे मम्मा वो तो चली गई, मैंने ऐसा किया है क्या जो वो मुझसे डर कर भाग गई? अच्छा हुआ चली गई, बहुत काम करवाती मुझसे, ये करो वो करो। तो फिर तो मम्मा मैंने सही किया भगा कर उन्हें। हाँ हाँ बेटा तूने सही किया। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। चाची कितने सालों बाद आपको टाइम मिला है हमसे मिलने का, चलिए आप हमारे यहाँ आए तो सही। हाँ बेटा तुझसे मिलना जो था बहुत याद आ रही थी तेरी, तो मैं आ गई बस। चाची तो मुझे जल्दी से बताइए कि आप मेरे लिए क्या क्या लेकर आई हैं यूएस से? आप तो वहाँ से इतना सारा लगेज लेकर आई हैं, तो मेरे लिए क्या क्या लाई हैं? अरे बेटा मैं ना तेरे लिए भर भर के सामान लाई हूँ, पर वो ना मैंने, एक मिनट मैं ना आपका पूरा लगेज चेक करके आती हूँ। अरे सुन तो चाची, लगेज तो पूरा खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं। अच्छा सारा सामान आपने हैंडबैग में रख रखा है, अभी चेक करती हूँ मैं। चाची आपका बैग तो बिल्कुल खाली है, कहाँ है वो सामान जो आप मेरे लिए लेकर आई हैं? अरे तू मेरी बात तो सुन ले तू पहले। वही तो कह रही हूँ, मेरे लिए ना मैं भर भर के सामान लाई थी, लेकिन हुआ क्या वो सारी चीजें ना मैंने अपने घर पर ही छोड़ दी। जल्दी से ना मुझे कुछ उधार पैसे दे दे ताकि मैं वापस घर जाऊँ और तेरा सारा सामान लेकर यहाँ आ जाऊँ। तेरे पैसे मैं तुझे वापस लौटा दूंगी, चिंता मत कर तू। हमेशा की तरह ना आपने फिर से मुझे धोखा दिया है। हर साल आप मुझे यही बोलती है कि बेटा अगली बार आऊंगी ना तो कुछ लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। देख लिया मैंने हर साल आपका, कभी कुछ नहीं लेकर आया मेरे लिए, और अपने घर जाने के लिए भी पैसे मुझसे मांग रही है। एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी मैं आपको। ये तो बड़ी तेज हो गई है, छुरी जैसी जबान चल रही है इसकी, माँ की तरह बिल्कुल। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। अरे बेटा क्या पढ़ रही हो, मुझे भी तो बताओ। वो अंकल आपको समझ नहीं आएगा, ये फिजिक्स है। मुझे समझ नहीं आएगा। फिजिक्स का टीचर हूँ बेटा मैं। अच्छा, अरे वाह फिजिक्स की टीचर, तो इससे कुछ सवाल पूछिए ना, देखते हैं क्या पढ़ रही है स्कूल में, अब तो पता चल जाएगा। बता बेटा। अरे मम्मा सवाल क्या पूछना है, मैंने तो अभी पढ़ाई स्टार्ट की, मुझे पढ़ने दीजिए आप लोग। क्या है ना मुझे बहुत सारा होमवर्क मिला यार, मुझे पता है ये चैप्टर ना 10 दिन से खोल कर बैठी है, मेरे सामने झूठ बोलेगी। चलिए चलिए पूछिए भाई साहब। चलो बेटा एक सवाल का जवाब दो, अगर बंटी बॉल फेंकता है और उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है और विकेट 10 मीटर की दूरी में है, 5 मिनट के बाद उसकी स्पीड क्या होगी? अंकल बंटी के पास तो बॉल है ही नहीं, तो वो कैसे फेंकेगा? बहुत प्यास लग रही है, मैं आती हूँ अभी। अच्छा सुनो बेटा, फ्रिज का टॉक बताओ। लो फ्रिज बंद कर दिया, अब कैसे टॉक बताऊँ? अरे मेरा फेवरेट शो आ गया, चलो मुझे टीवी देखना है। ये अंकल तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहे हैं। अच्छा बेटा लाइट की स्पीड तो बताओ। अरे मेरा तो होमवर्क ही नहीं हुआ, होमवर्क कर लेती हूँ। क्या करूँ मैं इनका, मुझे तो जीने नहीं देंगे इस घर में। टीचर टीचर क्यों आ जाते हैं घर पे? बेटा बंटी ने बॉल खरीद लिया, अब बताओ उसकी स्पीड क्या है? मैंने उसे कोई बॉल खरीदते हुए नहीं देखा, मैं जब देखूंगी ना उसके हाथ में बॉल तभी मारूंगी और तभी बताऊंगी आपको। बिल्कुल पढ़ाई चोर बच्ची है। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। अरे भाभी जी, वो शाम में जो चाय दी थी ना आपने, उसमें चीनी डालना भूल गई थी क्या? वो तो बहुत ठीक ही चाय थी, मैंने पी भी नहीं। एक काम करिए आप दोबारा चाय बना लीजिए। जी जी बिल्कुल अभी बना देती हूँ, आप जितनी बार बोलेंगे उतनी बार चाय बनेगी, टेंशन मत लीजिए। बस मुझे एक बार बता दिया करिए कि चाय अच्छी नहीं बनी थी या चाय में चीनी नहीं थी। भाभी जी सुनिए, उसके साथ कुछ पकौड़े मिल जाते तो बहुत मजा आ जाता। और ये जो आप फ्रूट्स रख रही है ना, इन्हें भी कट करके ले आइए, भूख लग रही है आज। जी बिल्कुल, और कुछ? जी वो मुझे ये भी पूछना
था भाभी जी कि आज रात को क्या है डिनर में। डिनर का तो सोच रही हूँ कुछ हल्का ही बना लूँ, लंच बहुत हैवी था ना, तो रात को डिनर तो हल्का होना चाहिए। नहीं 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 भाभी जी बिल्कुल नहीं, ये बात मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। दिन में हैवी लंच किया है तो डिनर भी तो हैवी होना चाहिए। मुझे ना हैवी डिनर और हैवी लंच ही पसंद है। मुझे ना आज रात को तंदूरी चिकन और मुर्ग मुसल्लन खाना है, तो भाभी जी बस तैयार रखिएगा रात को। अच्छा ठीक है भाई साहब, तैयार हो जाएगा। आप जाइए, मैं चीजें लेकर आती हूँ आपके लिए खाने की। एक काम क्यों नहीं करते आप, पेन और पेपर लेकर लिस्ट बना लीजिए अच्छे से कि इस पूरे हफ्ते आपको क्या क्या खाना है मेरे हाथों का। वाह क्या दिमाग दिया आपने। ठीक है भाभी जी, फटाफट से आप सारी चीजें बनाइए और फटाफट से मेरे सामने सारी चीजें पेश करिए, मैं भी अपनी लिस्ट बनाता हूँ। लिस्ट बनाने को कहा तो मान भी गया। कितने काम करूँ मैं, ऐसे भुक्कड़ लोग आते हैं घर पे तो मुसीबत मेरे सर पे ही आती है। आयो रे भाया रंगीलो मेहमान। अरे इस आंटी को कब तक झेलना पड़ेगा, जल्दी से पैसे दो और भागो यहाँ से। क्या नहीं झेलना होगा और क्या नहीं पिलाना होगा। अरे नहीं नहीं आंटी, झेलना नहीं खेलना, खेलना कह रही थी मैं तो ये कह रही थी कि अब किसके साथ खेलूंगी आप चली जाएंगी तो, और किसके साथ बैठकर चाय पीऊंगी, कैसे जीऊंगी मैं अब। नहीं बेटा उदास मत हो, आपकी आंटी ना फिर वापस आएगी, सिर्फ खेलने की बातें करती रहती है, पढ़ने की तो कभी बात ही मत करना। चलिए फिर चलती हूँ मैं। अरे आंटी आप जा रही हैं, आप कुछ भूल तो नहीं रही। अरे अरे आपका बैग रह रहा है, लेकर आती हूँ मैं भी, ये लीजिए। चलिए फिर चलती हूँ अब। आंटी आप जा रही हो, कुछ भूल तो नहीं रही ना, एक बार ध्यान से सोच लो। कुछ भी तो नहीं भूल रही। अरे हाँ तुझे पैसे देने थे ना, रुक जा। अरे अरे बिल्कुल नहीं, पैसे बहुत है इसके पास, आपको पैसे देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब जरूरत इसको होगी ना तो मैं दे दूंगी, आप परेशानी मत उठाइए इतनी। अभी आपको सफर भी तो करना है ना, बच्चों की बातों में मत आइए, तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। चलिए फिर ठीक है आप ही दे दीजिएगा। चलिए चलिए अब मैं चलती हूँ, लेट हो रहा है। हाँ हाँ आपको लेट हो रहा होगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी। मम्मा आपने आंटी के सामने बोला ना कि बहुत पैसे मेरे पास, चलो फिर मुझे पैसे दो। आप ही दोगी मुझे पैसे। तेरे पापा ना इस घर में पैसे का पेड़ नहीं लगा कर गए जो मैं तुझे पैसे तोड़ कर दे दूं, उनसे ही मांग लेना। हमेशा का यही नाटक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब के पास वाले बेल आइकन पर भी आप क्लिक करें ताकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। और इस वीडियो पर मैं एम करती हूँ 80,000 लाइक, तो जल्दी से आप उस वीडियो को लाइक करिए ताकि 80,000 का एम पूरा हो जाए। और हाँ आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि इनमें से कौन से टाइप के गेस्ट आपके घर में आते हैं। और कल दोपहर 2 बजे आ रहा है मेरा न्यू ब्लॉग, तो आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना समरीन अली ब्लॉग पर। और मेरे साथ गेम खेलने के लिए सब्सक्राइब करिए समरीन अली गेमिंग। और आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं जो आपको स्क्रीन पर देख रही होगी। तो अब मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।